किसी भी इंसान में तीन टाइप की एनर्जी, एक मेंटल है, एक फिजिकल है, एक सेक्सुअल है। पहले के युद्ध तलवार के दम पर जीते जाते थे, बाहुबल के दम पर जीते जाते, बट आजकल के जो युद्ध है ना वो दिमाग के दम पर जीते जाते हैं। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए नीड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द मेंटल एनर्जी। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आज 4G के जमाने में दे आर वेस्टिंग द लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। मतलब कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं मैंने देखे हैं कि रात रात भर फोन पे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जानू आप सो जाओ, पर आप फोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की बात सुननी। आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है उसको भी आप मेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। थर्मोडायनेमिक्स का नियम है कि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिजिकल एनर्जी को मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या है? थोड़ी एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाने का मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, थोड़े बहुत होने से, और चुप रहो, साइलेंस, क्योंकि बोलने से एक सिग्निफिकेंट एनर्जी वेस्ट होती है। साइलेंस एक धर्म है, एक ताकत है। अगर आप साइलेंस रहते हैं, साइलेंस को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी फिजिकल एनर्जी बढ़ने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि कांटे में वही मछली फंसती है दोस्त जो मुंह खोलती है, और एनर्जी के दम पर सत्ता हासिल की जाती है, सीट हासिल की जाती है, ताकत हासिल की जाती है। तो फिजिकली एक्टिव होना एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए इज अ मस्ट फैक्टर टू इंप्रूव हिज और हर मेंटल हेल्थ।